दोस्तों वानखेड़े में होगा एल क्लासिको यानी सीएसके वर्सेस मुंबई इंडियंस सैटरडे डबल हेडर का दूसरा मुकाबला शाम को 7:30 बजे 7 बजे टॉस होगा। तो इस वीडियो में बात करेंगे एल क्लासिको जहां पर मैच होगा वानखेड़े में उसका पिच कैसे होगा वेदर कैसा होगा। सबसे पहले आते पिच पर, लाल मिट्टी है सब जानते हैं महाराष्ट्र में मुंबई में लाल मिट्टी का जो है पिच मिलती है। साथ ही साथ इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर बाउंस मिलता है गेंदबाजों को, तेज़ गेंदबाजों को मेनली कैरी अच्छा मिलता है, नई गेंद हो तो स्विंग बहुत अच्छा मिलता है, ये सब है। पर इसके साथ साथ ये भी चीज़ है कि गेंद जो है सीधा बल्ले पर आता है और बैटिंग के लिए बहुत अच्छी विकेट है ये, क्योंकि शॉर्ट बाउंड्रीज भी हैं, बल्लेबाज यहाँ पर बल्लेबाजी करना बहुत अच्छा लगता है उनको, यहाँ पर वानखेड़े में बल्लेबाजी करना। साथ ही साथ एक और चीज़ की तरफ है कि स्पिनर्स कितना रोल में आएंगे ये भी एक बड़ी चीज़ है। देखिए रिस्ट स्पिनर्स अगर टीम में हो तो वो रोल में आ सकते हैं, उनका गेंद टर्न भी करेगा, वैसे तो फिंगर स्पिनर्स का भी गेंद टर्न कर सकता है ज्यादा से ज्यादा, लेकिन शॉर्ट बाउंड्रीज है। साथ में यह भी याद रखने की चीज है कि शॉर्ट बाउंड्रीज है वहां पर जो है कमी हो सकती है कहीं ना कहीं, वहां पर स्पिनर जो है मात खा सकते हैं, वहां पर मार भी खा सकते हैं स्पिनर्स, तो बल्लेबाजों के लिए बहुत अच्छा विकेट है। साथ ही साथ सेकेंड इनिंग्स में यहां पर ड्यू भी आ जाता है तो जो है गेंदबाजों के लिए एक और जो है वीक चीज़ बन जाती है कि ड्यू आ जाता है, गेंद ग्रिप नहीं होता और मुंबई में तो बहुत ज़्यादा ड्यू आता है, तो यहां पर टीम जो है टॉस जीत पहले फील्डिंग करना चाहती है फिर सेकंड इनिंग्स में बल्लेबाजी यानी चेज करना चाहेंगी, सबसे ज़्यादा यही है पसंद उनको वानखेड़े में करना। अब बात करें वेदर की, तो वेदर देखिए ह्यूमिड होगा, ह्यूमिडिटी होगी यहाँ पर जो कि अमूमन होती है, और साथ ही साथ अगर आप टेम्परेचर की बात करें तो 33 डिग्री सेल्सियस तक टच हो जाता है यहाँ पर टेम्परेचर शाम के टाइम में, इस मंथ के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। साथ ही साथ थोड़ी थोड़ी ठंडी हवाएँ हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी चलेगी मॉडरेट लेवल में, और वही बात है कि देखिए वेदर ऐसा ठीक है और इतना कोई ज़्यादा भी गर्मी नहीं होगी, शाम का टाइम है अभी अप्रैल के शुरुआत ही है। साथ ही साथ एक और चीज़ है, बारिश की कोई भी संभावना नहीं है और होगी भी क्यों, मुंबई है और फिलहाल अभी के लिए अगर आप देखें 8 अप्रैल के हिसाब से बारिश की कोई भी संभावना नहीं है। तो ये थी पिच और वेदर रिपोर्ट वानखेड़े स्टेडियम की, और आप कितना इत्तेफाक रखते हैं आप कमेंट सेक्शन में इसके बारे में ज़रूर बताएं।